हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और हमारे जो एडमिशन्स की प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने लॉन्ग क्वेश्चन खत्म किए थे और आज जो एग्जाम में आने वाला टॉपिक है वो है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट्स। यही एग्जाम में लिख लो, 8 नंबर का आएगा ही आएगा कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो हम आज बात करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स की। तो पहले ध्यान समझ लो, कैपिटल एडजस्टमेंट जो होता है आपका वो दो तरीके का होता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब एक कैपिटल एडजस्टमेंट है न्यू पार्टनर के बेस पे, एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि न्यू पार्टनर के बेस पे है या फिर ओल्ड पार्टनर के बेस पे? तो ध्यान से समझ दो एक बात को, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि न्यू पार्टनर कितने रुपए कैपिटल के लेके आया है, मतलब गिवन है आपको कि हाँ न्यू पार्टनर इतना रुपया लाया है कैपिटल के, तो अगर आपको ये बात बताई गई है कि न्यू पार्टनर कैपिटल के कितने पैसे लेकर आ रहा है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे करना है। और अगर आपको ये बात नहीं पता चल रही है कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल का पैसा लेकर आया है तो हमें क्वेश्चन ओल्ड पार्टनर के बेस पे करना है। तो आज हम क्वेश्चन एक करेंगे न्यू पार्टनर के बेस पे और फिर अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे एक ओल्ड पार्टनर वाला क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के बेस पे करनी है। तो देखो आपके बुक पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और फिर आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ कि हाँ सर ये न्यू पार्टनर के बेस पे है। देखो लिखा हुआ है एक्स एंड वाई पार्टनर, ये बुक का 79 क्वेश्चन है, मेरे पास 2022 एडिशन का बुक है टीएस अग्रवाल। तो जिसके पास अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिन पे है तो बहुत अच्छी बात है, बुक निकाल लेना। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट। तो लिखा एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, एक्स वाई पार्टनर 2:1 का रेशियो, फिर उनकी एक बैलेंस शीट दी गई। अभी हम नहीं पढ़ते, आराम से क्वेश्चन करते हैं पढ़ेंगे। फिर नीचे देखो एडजस्टमेंट है, दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप विद फॉलोइंग। देखो जो हमने नॉर्मल अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन किए ये भी लगभग वैसा ही होगा, 90% तो वैसा ही होगा, लास्ट में बस आपको कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो कैसे वो चेंज आता वो चीज आपको बस सीखनी है। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सब तो पुराना ही लग रहा है, एडजस्टमेंट लोग ये सब तो पुराना ही है, बिल्कुल एग्जैक्टली पुराना ही है सब, लास्ट में बस कैपिटल एडजस्टमेंट आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। करते देखो, करने के बाद आप बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओगे। देखो पहले का जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड 1/4 शेयर, देखो लिखा है ना जेड कैपिटल के 40,000 रुपए ला रहा है, यानी इस क्वेश्चन में आपको न्यू पार्टनर कैपिटल दिया हुआ है, अच्छी बात है। जेड ब्रिंग 15,000 गुडविल, हाफ ऑफ इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, जेड गुडविल के 15,000 ला रहा है जिसमें से आधा गुडविल निकाला जा रहा है, तो ये कर लोगे पॉइंट। आगे देखो इन्वेस्टमेंट आर वैल्यू 10,000, इन्वेस्टमेंट के लिए 10,000 गई और एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो पहले कितने की, तो इन्वेस्टमेंट देखो पहले है 8,000 रुपए का, तो 8 से इन्वेस्टमेंट 10,000 का हो गया और एक्स उस इन्वेस्टमेंट को लेके चलेगा, मतलब एक तो वैल्यू बढ़ी और दूसरा उसको पार्टनर लेके जा रहा है, क्या होगा इफेक्ट देखेंगे, अच्छा पॉइंट है ये भी। उसके बाद लिखा है प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%, प्रिंटर 20% से डेप्रिशिएट हो गया और फिक्स एसेट्स बाय 10% और फिक्स एसेट 10% से कम हो गया, ठीक है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक 1,000 कमाई, स्टॉक बढ़ गया। और देखो लास्ट लाइन ध्यान से, देखो लास्ट लाइन अभी तक ये नहीं लिखा होता था तो नॉर्मल था, ये लाइन बता रहा है कि कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो क्या है, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो लिखा था कैपिटल प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट यानी एडजस्टमेंट्स है, और किससे करना है आपको, तो कैश अकाउंट से करना है। कैश के अलावा भी कुछ होता है सर? तो हाँ होता है भाई, एक करंट अकाउंट से भी होता है। तो मैं अभी पहले क्वेश्चन करा देता हूँ फिर मैं बता दूंगा कि अगर कैश की जगह करंट अकाउंट से बोला होता है एडजस्टमेंट के लिए तो क्या चेंज होता है। माइनर सा चेंज है, आप क्वेश्चन के साथ ही समझ जाओगे। फिलहाल आपको कैसे करना है और कैपिटल एडजस्टमेंट लाइन से पता चल रहा है और न्यू कैसे है, तो आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है जिससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट आपको न्यू पार्टनर के बेस पे करना है। तो पहले मैंने अकाउंट बना लिया, देखो पहला अकाउंट मैंने रिवोल्यूशन बना दिया, दूसरा बैलेंस शीट बना दिया, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब फटाफट करके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे और चीजों को भेजना चालू करेंगे। तो मैं बुक निकाल लेता हूं, ये बुक है हमारे पास टीएस अग्रवाल की बुक है और इसका ये क्वेश्चन नंबर कितना था निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 79। करते स्टार्ट। तो लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर, आप बुक खोलो, अच्छी बात है बुक खोल के बैठो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अगर बुक नहीं है तो जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था स्क्रीनशॉट लिया तो उसको खोल के देखो फटाफट, देखते हैं करते स्टार्ट। क्या लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, ठीक है। फिर फर्स्ट पॉइंट है जेड ब्रिंग, जेड आया 1/4 शेयर से एडमिट हुआ एंड ही ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल, कैपिटल आया तो कैपिटल जो भी लाता हम कहां लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिख देंगे, कलर मैं चेंज कर देता हूं, कैपिटल कहां लिखते हैं बाई कैश, कितना लाया कैपिटल तो 40,000, 40,000 इसके कैपिटल में आ गया, बोल गया आंसर कोई डाउट नहीं है। फिर लिखा एंड ही ब्रिंग 15,000 गुडविल, गुडविल के 15,000 तो यहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 लाया फर्स्ट टाइप है तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के बराबर रहेगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा, तो 10,000 और 5,000, 15,000 को हमने बांट दिया।
और फिर लिखा हाफ ऑफ गुडविल विद डॉन, ये 5,000 है, ठीक है, मैं मिटा के थोड़ा ढंग से लिख दूं, ये 5,000 है, कितना है ये 5,000। उसी में आगे लिखा हाफ ऑफ गुडविल विद डॉन, तो विद डॉन के लिए आपको याद होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैपिटल के डेबिट में आएगा, टू कैश कैपिटल कम होगा, हाफ, तो जब इसको मिला है 10 तो हाफ, यानी इसमें 5,000 निकाला होगा, इसको मिला है कितना 5, तो इसने आधा यानी 2,500 रुपए निकाला होगा। तो गुडविल कैपिटल लाया, कैपिटल बढ़ा, गुडविल लाया, इनको कैपिटल बढ़ा, आधा निकाला, निकालने की एंट्री। पहले दो पॉइंट हो गए, मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा, पहले दो पॉइंट में क्लियर है पॉइंट दोनों, ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 हो गई, देखो इन्वेस्टमेंट है जो आपका पहले 8,000 रुपए का, यानी 2,000 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कहां जाएगा, बोलो सर जितना बढ़ा है रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, वेरी गुड, यही जाना ही है, तो रिवोल्यूशन में भेज देते हैं, बढ़ गया तो इधर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो 2,000 यहां पे आ गया, और 10,000 देखो बैलेंस शीट में लिखते, बट क्वेश्चन लिखा है कि उस इन्वेस्टमेंट को कौन लेके चला गया, तो एक्स लेके चला गया, तो फिर आपको बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स ले गया तो एक्स का कैपिटल आप कम कर दोगे उससे, तो यहां आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जा रहा था, तो बैलेंस शीट में ना जाने की जगह वो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, उसके कैपिटल अकाउंट में चला गया, उसका कैपिटल उससे क्या हो गया, कम हो गया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ले गया तो बैलेंस शीट में तो बचा नहीं, लेकिन जो ले गया उसकी कैपिटल तो कम होगी, तो हमने कैपिटल कम कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी क्या नाम था एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एसेट्स टेकन। आगे देखो तीसरा पॉइंट भी हो गया, चौथा लिखा प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस, पहले तो रिवोल्यूशन में इफेक्ट पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट पे आ जाते हैं, रिड्यूस हो तो डेबिट में आएगा टू प्रिंटर, कितना रिड्यूस हो रहा भाई, तो लिखा प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाई 20%, देखो प्रिंटर है आपके पास 5,000 का, 5,000 का 20% होता है 1,000 रुपए कम हो गया, फिर बैलेंस शीट में नई वैल्यू लिखनी होती है, तो यहां नई वैल्यू आ जाएगी प्रिंटर की 4,000 रुपए, और लिखा फिक्स एसेट्स बाई 10%, तो ये भी कम हुआ तो फिक्स एसेट भी यहां कम हुआ तो इधर आएगा, फिक्स एसेट से 1,13,700 रुपए कम हो गया, 1,37,000 का 10%, और नई वैल्यू लिखने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 1,37,000 माइनस 13,700, 1,37,000 माइनस 13,700, 1,23,300 बच गया, तो बैलेंस शीट में हम इसकी वैल्यू दिखा देंगे 1,23,300, क्या था नाम इसका, फिक्स एसेट्स, ठीक है, 10% कम हुआ तो 10% यहां आ गया, 13,700 नई वैल्यू बैलेंस शीट में, क्लियर यहां तक, तो ये हमारा इसी के साथ क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी खत्म होता है। अब ई है एन अनरिकॉर्डेड स्टॉक, तो नया एसेट्स फायदा हुआ, स्टॉक कितना बढ़ गया भाई 1,000 रुपए स्टॉक पे जोड़ देंगे, स्टॉक 1,000 रुपए जोड़ेंगे तो स्टॉक देखो कितने का, स्टॉक है आपका 10, तो 11,000 रुपए का स्टॉक हो गया। लास्ट पॉइंट है विड्रॉइंग और वेइंग कैश, तो बात की बात है, आपने देखो सारे पॉइंट्स कर दिए, सिर्फ एक लास्ट पॉइंट रह गया है जो दिखा रहा है कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट, तो हम बाद में करेंगे, अभी थोड़ी होगा कैपिटल एडजस्टमेंट, यहां देखो आपको कुछ भी नहीं लगे, सब पुराना ही काम है। इसके बाद हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद, तो बोलोगे सर एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपने बताया है कि हमको रिवोल्यूशन का टोटल करना है, बिल्कुल सही, वही यहां भी करेंगे, तो हम टोटल करते हैं, देखो इधर की साइड ज्यादा 1,13,700 यानी 14,700 रुपए आ रहा है यहां का टोटल, और इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया सा लॉस हो रहा है, तो हमको 11,700 रुपए का हो गया लॉस, और आपने पढ़ा है कि जो भी रिवोल्यूशन लॉस होता है इसको ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो यानी 2:1 में बांट दिया जाएगा, यानी 3,900 × 2 7,800, यहां तो कोई दिक्कत रिवोल्यूशन अकाउंट में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, अभी लॉस हम बेचते कैपिटल में 7,800 3,900 कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, टू रिवोल्यूशन लॉस 60,800 3,900, ये ठीक है। अब हमें क्या करना होता है इसके बाद, तो बोल के सर इसके बाद हमने सीखा है कि जो पुरानी बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन में उसको भेजना, तो भेज लेते क्या करके, तो लाइब्रेरी साइड से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला आपका क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स इज ए लाइब्रेरीज, जैसा था वैसा ही उतार देंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है, तो 25,000 रुपए का क्रेडिटर हो गया। उसके बाद आपका जनरल रिजर्व, तो बोलोगे सर जनरल रिजर्व को यहां बांट दिया जाता है, बिल्कुल सही, यहां पे हम जनरल रिजर्व बांटेंगे, जनरल रिजर्व 18,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो यानी 12:6 2:1 का रेशियो है, 12,000 और 6,000 बांट दिया गया। उसके बाद है कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस यहां पे आता है 75,000 और 62,000,
इसके बाद हम आते हैं एसिड साइड में। तो एसिड में देखो, एक तो कैश है सबसे लास्ट में लिखूंगा क्योंकि कैश बदलेगा। कैश में यहाँ पे यहाँ वर्किंग नोट में आपको कैश चेंज करके दिखाऊंगा कि कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। कैश आपके पास कितना दे रखा है? 5,000। बहुत कुछ परिवर्तन होगा कैश में, तो परिवर्तन करके लिखेंगे, छोड़ देते हैं। डेटर हो गया? नहीं हुआ। तो अगला है आपका डेटर। डेटर आपका कितना भाई? तो 15,000 रुपए का डेटर है। डेटर के बाद स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट ले जा चुका है। प्रिंटर हो गया है, सब हो गया, बस ये रह गया। तो देखो सारे पॉइंट्स हो गया ऑलमोस्ट। अब देखो कहानी इसके बाद होती है आपसे शुरू। ध्यान से समझना, 1/4 एडमिट होता ना। हाँ देखो ध्यान से समझना। इसके बाद देखो, अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता, अगर क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं होता, तो आप क्या करते? तीनों का यहां तक तो हो चुका नॉर्मल है। आप क्या करते? इसको जोड़ते, घटाते, बैलेंस शीट लिखते, और बैलेंस शीट को बैलेंस शीट पे भेज देते, और बैलेंस शीट पे भेज देकर बैलेंस शीट का टोटल कर दे, और बल्ले बल्ले क्वेश्चन खत्म कर जाते। तो नया क्या है? तो नया अब आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहले अगर न्यू पार्टनर के बेस पर कैपिटल एडजस्टमेंट चाहिए, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। क्वेश्चन ये था कि एक्स वाई पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था, जेड 1/4 से एडमिट हुआ, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, न्यू फर्स्ट टाइप है, लेट टोटल प्रॉफिट 1, जेड का शेयर 1/4 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4। ये आपने पढ़ा था, इसे जल्दी जल्दी निकाल लो। एक्स वाई जेड 2/3 × 3/4, 1/3 × 3/4 और 1/4, तो ये कट गया, यानी 2/4, 1/4, 1/4, यानी 2:1:1 का रेशियो आ रहा है। 2:1:1 का रेशियो आ गया आपका न्यू रेशियो। फर्स्ट सेट निकाला। अब देखो न्यू रेशियो के बाद हमें क्या निकाला, यहाँ पे हमें निकालना होगा, ध्यान से कर, यही चीज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसको कलर बदल देता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, ध्यान से बनना। हमें निकालना होता है यहाँ पे कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू पार्टनर के बेस हम सीखे कैसे निकालना है कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फॉर्मूला क्या है? तो न्यू पार्टनर कैपिटल, ध्यान से देखना बात को, न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू 1/ उसका पीएसआर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल था 40,000, उसके पीएसआर का उल्टा करेंगे तो यानी 4/1, यानी 1,60,000 आपका कैपिटल ऑफ फर्म। 40 था ना उसका, हाँ, तो 1,60,000 आपका निकल गया कैपिटल ऑफ फर्म। जबने निकाला कैपिटल ऑफ फर्म, कैसे निकाला? न्यू पार्टनर का कैपिटल है, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल किया, कैपिटल ऑफ फर्म निकाल दिया। अब इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। क्या क्या नाम है पार्टनर के? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब हमें इसको बांटना है, ध्यान से देखो, 1,60,000 कैपिटल ऑफ फर्म है, इसका शेयर है 2/4, 1/4, 1/4, 1,60,000 और 1,60,000। तो पहले वाले का आया 80, दूसरे का आया 40, तीसरे का आया 40। मतलब अगर हम जेड के बेस पे कैपिटल निकालने की बात करें, तो एक्स का कैपिटल कितना होना चाहिए? 80, वाई का कितना होना चाहिए? 40, जेड का कितना होना चाहिए? 40 निकाले हमने। क्या किया हमने? न्यू पार्टनर का कैपिटल, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल किया, कैपिटल ऑफ फर्म निकाला, न्यू रेशियो बांट दिया। मतलब इनकी कैपिटल इतनी 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 होनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ जेड, तो इतनी तो हमें लिख करनी है, तो ये हम यहाँ पे इतनी करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको बैलेंस शीट में 80, 40 और 40 लिख दिया हमने। अब आप पास समझो ध्यान से, क्या ये लिखने से दोनों साइड बराबर हो जाएगी? तो बोले कैसे हो जाएगी सर, ये तो हमने जोड़ के थोड़ी निकाला है, तो बराबर नहीं होगी। तो जो भी बैलेंस बचता है, उस बैलेंस को कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा, तो उसको भेजने के दो ऑप्शन होते हैं, कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कैश, तो जो भी बैलेंस बचेगा वो कहां चले जाएगा? कैश अकाउंट में। जैसे इसका देखो, ये वाली साइड आपको ज्यादा दिख रही होगी, 80,000 प्लस 78 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,02,000। देखो ये दिख रहा है 1,02,800। इससे अगर मैं घटाऊं 75,000, क्योंकि इधर कम है 10,000 और 12,000, तो घटाने पे इधर बच रहा 5,800, ये बचा है बैलेंस। तो इधर बचा तो क्या लिखेंगे इसको? कैश अकाउंट, बैलेंस निकल गया। ठीक है, वैसे इसमें देखो ये वाली सेट जाता है 62,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, यानी 73 से अगर माइनस करो, माइनस 40 माइनस 2500 माइनस 39, तो इधर बच रहा है 26,600। तो ये जो बचा है ना, ये आ गया टू कैश, तो ये कैश, ये बैलेंस निकला है इसके तो बेस पे। तो देखो इसकी दोनों साइड बराबर है, इधर भी 40 इधर भी 40। ठीक है, तो हमने क्या किया? बैलेंस सीडी लिखा, उसके बाद जो भी बैलेंस बचा उसको बोला गया था क्वेश्चन में कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो कैश में कब ट्रांसफर कर दिया, ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। अब देखो इसका बैलेंस शीट पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल का बैलेंस हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान से देखना बात को, एक्स वाई जेड 80
40 और 40. अब कैश में देखना, कैश पहले से 5000 था, कैपिटल के लेके आया था कितना 40, गुडविल के कितना लाया था 15, फिर इसमें से आधा हमने निकाल दो 7500 माइनस, यहां तक तो पुराना ही है, 5 था 40, देखो ये रहा 40000 कैपिटल के लाया, 15000 गुडविल के लाया, आधा निकाल लिया। अब देखो ये जो कैसे ही कैसे आएगा, ध्यान रखना, इधर वाला क्या करते हैं प्लस, इधर वाला क्या करते हैं माइनस, तो वही करना आपको, 5800 10 हो जाएगा उधर वाला, और इधर की साइड देखो कितना है, इधर की साइड वाला कैश, इधर वाला कैश कैश में प्लस, इधर वाला कैश कैश से माइनस, नॉर्मली लाया है तो बड़ा है निकाला है, तो 5800 प्लस और 26600 जो होगा वो माइनस कर देंगे, 26600 माइनस हो गया। अब जोड़ लो कैश का बैलेंस, 5000 पहले से था, 40 कैपिटल, 15000 गुडविल, माइनस 7500 प्लस 5800 माइनस 26600, 31700 आ गया कैश का बैलेंस। अब हम जोड़ देंगे, दोनों साइड होनी चाहिए इक्वल, इक्वल है तो ठीक है, वरना आपने कर दिया भाई कहीं पे गड़बड़, यहाँ तो गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि हम खुद कर रहे हैं, आप करोगे तो बात आनी चाहिए। 185 आ गया, 185 आ गया, इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको करंट के क्या इफेक्ट होता बताते हैं। देखो ये रहा पहला, पहला पेज रिवॉल्यूशन अकाउंट बना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। दूसरा पेज बैलेंस शीट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को आप घर पे करके देखना। फिर तीसरा पेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और इसके बाद आखिरी इनका वर्किंग नोट्स, क्लियर है बात। अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन में यहां पे कैश ना बोल के बोला होता करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो भाई क्या होता, तो देखो क्या होता, मैं रेड पेन से लिख देता हूं, बस कुछ नहीं होता, जहां पे आपने कैश अकाउंट लिखा है यहां पे कैश की जगह क्या लिख देते करंट अकाउंट, और यहां पे भी क्या लिख देते करंट अकाउंट। तो अब ये करंट अकाउंट लिख दिया तो करंट अकाउंट लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, जो ये आपने कैश में इसको प्लस माइनस किया था लास्ट में, कैश अकाउंट नहीं है तो ये तो यहां तो नहीं आएगा, कैश में नहीं आएगा। फिर भाई आएगा कैसे, तो ध्यान समझो, अगर इधर की साइड बचता है तो ये आ जाएगा आपके एसेट साइड में, इधर करंट अकाउंट एसेट्स, यहां आ जाएगा एक्स करंट अकाउंट, यहां आ जाता है कहां पे एसेट्स में, तो यहां आ जाता है एक्स करंट अकाउंट 5800, ये बात का चेंज बता रहा हूं मैं आपको, यहां नहीं होगा उसके बाद का है, और इधर की साइड वाला आ जाता लायबिलिटी साइड में, तो 26600 का करंट एसेट्स आ जाता यहां पे, 26600 एक्स वाई जिसका भी था करंट अकाउंट यहां पे आ जाता। तो अगर कैश की जगह करंट अकाउंट से बोला जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट के, लिखा होता क्वेश्चन कि हाँ कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट से करना लिखा होगा, क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा 78 उसमें करंट अकाउंट लिखा हुआ है कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट, तो बस जहां पे आपने ये कैश लिखा था कागेरा, जहां पे आपने कैश लिखा था वहां पे आपको क्या लिखना है करंट अकाउंट लिखना है, फिर ये इसका इन्वॉल्वमेंट कैश में तो होगा नहीं, इसको अलग से आपको दिखाना पड़ेगा, इधर वाला आ जाएगा, इधर का जो बैलेंस है ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड ऑफ करंट अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के करंट अकाउंट के नाम से, इधर वाला एसेट्स में एज इट इज जो मैंने यहां पे दिखाया। तो करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी समझ गए होगे आप, तो यही है आपका न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट, जहां पे आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया गया होगा और आपको बोलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट करो, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना है, बस बात ध्यान रखना कैश से बोलेगा या फिर करंट अकाउंट से बोलेगा, कैश करंट अकाउंट में दोनों ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया है। तो आपके पास कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब मेरे वाले बुक के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 77 से लेकर 82 तक, 77 से 82 तक ये 4-5 क्वेश्चन जिसमें मैंने करा दिया है, यही 4-5 क्वेश्चन है जो कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन तो आपने देखो जैसे पढ़ा था वैसे ही करा, बस लास्ट में जो थोड़ा सा चेंज है वो आपको याद रखना है कैपिटल एडजस्टमेंट का, करंट अकाउंट या कैश अकाउंट, क्लियर बात। तो ये आपका खत्म होता है न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट, एक लेक्चर और जिसके बाद हम ओल्ड वाला भी देख लेंगे, फिर टॉपिक को खत्म करेंगे। तो फटाफट बस चीजों को अच्छे से कर लेना, और फिर कोई क्वेश्चन लगता है कि करना लाएगा तो उसको भी देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है चैनल पे, और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, और लास्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, कि अगर न्यू पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, और आज हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। बताया था मैंने कल भी लास्ट क्लास में ही बताया था आपको कि ओल्ड के बेस पे कब होता है, तो जब क्वेश्चन के अंदर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल आया है, तो उस केस में हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड, और अगर न्यू पार्टनर कैपिटल दिया है तो फिर हम करते हैं न्यू। न्यू मैं करा चुका आपको, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक ओल्ड के बेस पे, फिर एक रखेंगे अगर कोई डाउट आउट होता है आपको तो डाउट क्लास करना, ये चैप्टर का ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी टॉपिक है। तो देखो मेरी स्क्रीन पे एक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा पीछे, आपके बुक जहां भी है बुक में निकाल लेना क्वेश्चन है। देखो एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, एल एम एन पार्टनर है 3:1 का रेशियो है,
मेरे पास जो बुक है वो है 2022 एडिशन टीएस अग्रवाल, उसके हिसाब से 82 फोन नंबर क्वेश्चन है, बाकी पुराना एडिशन आपके पास तो आप उसके हिसाब से देख लेना। जैसे आप बुक नहीं, आप इस फोटो का स्क्रीन मतलब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। फिर लिखा था बैलेंस, उनके एक बैलेंस शीट थी, फिर लिखा ऑन द अबव डेट ओ वाज एडमिटेड, ओ एडमिट हुआ, न्यू पीएसआर दे रखा आपको 221 का, गुडविल ऑफ द फर्म है 180 और वर्ब ओ ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसके बाद देखो आगे पॉइंट्स भी है कुछ। थर्ड पॉइंट का मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 36,000, इन्वेस्टमेंट 36,000 का हो गया, मशीनरी रिड्यूस हो गया इतने से, क्रेडिटर के लिए बोला। और देखो लास्ट लाइन है ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज गिवन इन द 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कैपिटल ऑफ फर्म में न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दे रखा, दिया था कि वो कितना कैपिटल नहीं बता रखा। तो जब आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता है तो फिर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर करना होता है। तो हम बात करेंगे आज ओल्ड पार्टनर के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट। ये मेरे पास बुक है, ये आईडी बुक, बुक एडिशन निकाल सकते हो, वाले बुक है टीएस अग्रवाल। क्वेश्चन देखते हैं, अकाउंट बना लिया मैंने, पहले से बना रखे थे आपके लिए फॉर्मेट डिजाइन करके, एक एक करके पढ़ना चालू करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपका 84, LMN पार्टनर है 3:1 का रेशियो, ठीक है मैं लिख चुका हूं। फिर लिखा हुआ है पहला पॉइंट न्यू पीएसआर 2:1, देखो सखी बात, देखो न्यू रेशियो दिया है 2:1:1। तो सबसे पहला काम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गुडविल के लिए आसानी होगी। एल एम एन ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6, माइनस न्यू है 2/8, 2/6, 2/6, 1/6, इसका जीरो हो गया, इसका जीरो, इसका 1/6। तो सैक्रिफाई करने वाला सिर्फ एक ही बंदा है वो है एल, और गेन करने वाला एक ही बंदा होगा जो आया हो, सारा पैसा एल को मिल जाए। तो गुडविल का देखो, गुडविल ऑफ फर्म है 1/80, एल का उसका शेयर निकाल लो, ओ ओ शेयर इन गुडविल, तो गुडविल ऑफ फर्म है 1,80,000 और ओ का शेयर है 1/6, 30,000 गुडविल के लेकर आएगा वो। और गुडविल का पैसा अभी आपको पता चला, मैंने बताया कि सैक्रिफाइस सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, तो पूरा गुडविल का पैसा एल को मिल जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 ए में मिल जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाई एल ही कर रहा है। पहला पॉइंट क्लियर है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 36। देखो इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो 60 का है, 60 से 36 हो गया, यानी कम हो गया, 60 से 36 कितना घट गया, 24,000 है ना, 60,000 माइनस 36,000, 24,000 रुपये कम हो गया, कम हुआ तो डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आ गया इन्वेस्टमेंट। अभी देखो अभी तक सारे पॉइंट वही पुराने होंगे, कुछ भी नया नहीं होगा, नया एकदम एंड में होगा और वो हम देखेंगे क्या नया है, पहले पूरा क्वेश्चन करते हैं आराम से तसल्ली से। फिर लिखा हुआ अगला पॉइंट मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 50, रिड्यूस टू घट के 58, देखो मशीनरी है कितने की, तो 70 की है, 70,000 और घट के 58 हो गया, 70 माइनस 58 यानी 12,000 कम हो गए, 58 कहाँ लिख दो मशीन पहले, 58 और 12,000 जो कम हो गई यहाँ डेबिट में आ जाएगा, मशीनरी 12,000 कम हो गई, 2:2 लगा जाएगा मशीनरी है, ठीक है। उसके बाद अगला है क्रेडिटर 6,000 इज नॉट लाइकली टू पे, 6,000 का क्रेडिटर पे नहीं करना, फायदा हो गया भाई, तो क्रेडिटर 6,000 फायदा हुआ, क्रेडिटर में से घटा देंगे, क्रेडिटर यहाँ लिखेंगे। तो देखो आपके पास जो क्रेडिटर है वो है 168, 6 कम हो गया तो 162 हो गया। फिर प्रमोशन वाली बात किया, सारे पॉइंट खत्म, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया रिवॉल्यूशन का टोटल कर लेते हैं, तो 24 + 12 36,000 हुआ ये, 30,000 रुपए का आपको लॉस हो गया, रिवॉल्यूशन लॉस। एल एम एन में बांटेंगे 3, 2, 5, 1, 6, तो 10, 15, 10, 15,000, 10,000 और 5,000 लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा, 15,000, 10,000 और 5,000 यह है आपका रिवॉल्यूशन लॉस। आगे आते हैं वापस, ये तो खत्म हो गया एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपने रिवॉल्यूशन का लॉस भेज दिया कैपिटल अकाउंट में, फिर हम क्या करते हैं तो सर पुरानी वाली बैलेंस शीट देखते हैं, हाँ वही करेंगे, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में ही आएगा, हो गया। उसके बाद रिजर्व, तो रिजर्व यहाँ बढ़ जाएगा बाई जनरल रिजर्व, रिजर्व आपका 42,000, 42 को काटोगे 7, 7, 46, 21, 14 और 7, देखो 21,000 + 14,000 42,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस
बाई बैलेंस बीडी। तो कैपिटल का बैलेंस है 1,20,000, 80,000, 40,000। एसेट साइड में आ जाओ वापस, बैंक चेंज तो बाद में लिखेंगे। डेटर, डेटर है आपका 46,000। स्टॉक है आपका 2,20,000। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट है आपका, हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। फर्नीचर नहीं हुआ, फर्नीचर आपका 20,000। मशीनरी भी हो गई, और बैंक आपका है 34,000 का बैंक था, एडमिट हुआ था तो गुडविल के लेके आया था 30,000। कैपिटल भी जोड़ेंगे उसके बाद लिखेंगे। देखो सारे पॉइंट्स हो गए, बुक रख देते हो। देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ तक मैं एकदम आसानी से एकदम नॉर्मल धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, ये सब ये सारे पॉइंट वही है जो आपने अभी तक करा है। कैपिटल जो सीट हुआ बोल के वैसे देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले बाकी पार्ट को नॉर्मल बैलेंस शीट निकालो, जैसे निकालते हैं नॉर्मली बैलेंस शीट निकाल दो, वही बैलेंस शीट में लिखना भी है। बैलेंस शीट निकालो, देखो कितना हो रहा है, 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 21,000, 171। घटाने के लिए कुछ है तो हाँ 15,000 है, माइनस 15,000, 156 आ गया पहले वाले का आंसर भी दिया होगा, 156। दे रखा कपड़े का बैलेंस, दे रखा क्या दे रखा है। अगले का देखो, 80,000 प्लस 14,000, यहाँ से देखना 94, तो ये नॉर्मल है 94 डाउन, नॉर्मल कपड़े निकाल लें, माइनस 10,000, 84 आ गया इसका। इसका देखो 40,000, 7,000, 47,000, कटा देंगे 5,000, तो इसका आ गया 42। अब देखो ध्यान से वर्किंग जो मैं करना चाहता हूँ, देखो जब हम न्यू के बेस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करते थे, हम क्या करते थे, न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल करते थे, कैपिटल फॉर्म निकाल देते थे। तो ऐसे अब अगर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल ले रहे हो तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेना पड़ेगा। तो दिक्कत यह है, परेशानी यह है कि ओल्ड पार्टनर एक नहीं तीन तीन है, ये तीन ओल्ड पार्टनर है, चौथे को तो अभी निकालना ही है। तो जब करोगे तो ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड लोगे, क्योंकि ज्यादा है मोर देन वन है, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो एल का कैपिटल, एम का कैपिटल और एन का कैपिटल, तीनों का लोगे। बैलेंस शीट याद रखना आपको कौन सा कैपिटल लेना है, बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो पहले का 156, 84 और 42, तीनों को जोड़ लेंगे, 156, 84 और 42, 282। तो कंबाइंड कैपिटल तो कंबाइंड प्रॉफिट से रेशियो भी लेंगे, कंबाइंड पीएसआर, तो 2/6, 2/6, 1/6, 5/6। इसके बाद हम निकालेंगे, ध्यान से देखना है जो मैं निकाल रहा हूँ, कैपिटल ऑफ फर्म जैसे निकालता है ऐसे निकालेंगे यहाँ पे भी। कैपिटल ऑफ फर्म जो निकलेगा न्यू की जगह ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लेंगे 282,000, और इसके पीएसआर का उल्टा नहीं 6/5, तो कैपिटल फॉर्म आ गया 338,400। कैपिटल फॉर्म आ गया, हमने क्या किया सभी का कंबाइंड कैपिटल लिया, ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड पीएसआर जो कि 5/6 हुआ, रेसिप्रोकल कैपिटल फॉर्म निकाला। इसमें अब हम नए पार्टनर का क्या नाम था, ओ शेयर निकाल लेंगे, ओ शेयर इन कैपिटल, तो 338,400 कैपिटल फॉर्म है, ओ का शेयर 1/6, तो 56,400 रुपए आ गए इसका कैपिटल। यही हमें निकालना था, बस यहाँ लिख दो, बस हो गया खत्म, यही करना है। कितना आया 56,400, इतना ये पैसा लेकर आएगा अपने कैपिटल के, कितने 56,400, बस टोटल कर दो, वही बैलेंस सीडी हो गया, खत्म हो गया। ये ओल्ड के बेस से कैपिटलाइजेशन कितना सिंपल है ना, अब लोग यहाँ पे जब दिखेंगे तो 56,400 इसमें जोड़ देना, तो 34,000 पहले से था, 30,000 गुडविल लाया, और 56,400 ही हो गया, 34,000 प्लस 56,400, तो 1,20,400 हो गया। और सबका कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे एल एम एन ओ, 156, 156 के बाद दूसरे का कितना था 84, 42 और 56,400 प्लस 42 प्लस 84 प्लस 156 प्लस 162
5004005004000 ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, लास्ट में आप ध्यान रखना क्या करना है, जब हम न्यू में कर देते तो न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल करते थे, कैपिटल फॉर्म निकालते थे, फिर न्यू रेशियो में बांटते थे, न्यू वाला था। ओल्ड में क्या करना है आपको, ओल्ड पार्टनर का लेना है और ओल्ड पीएसआर लेना है, ओल्ड पार्टनर का पीएसआर लेना है कि नया वाला, क्योंकि कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म निकाल लो। तो ओल्ड पार्टनर का जब आप कैपिटल लेने की बारी आएगी तो ओल्ड पार्टनर मोर देन वन है, एक से ज्यादा है, यहाँ पे तीन ओल्ड पार्टनर है, तो हमने तीनों का कंबाइंड लिया, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और कौन सा कैपिटल आएगा, ये बैलेंस सीडी आता है आफ्टर एडजस्टमेंट वाला, उनको जोड़ लिया हमने तीनों का, एक पहले का 56 आया था, दूसरा 84, तीसरे का जोड़ा, पीएसआर का भी कंबाइंड लिया, उल्टा किया, कैपिटल ऑफ फॉर्म निकाला, न्यू वाले पार्टनर का शेयर निकाल दिया, बस खत्म। और जो निकाला इतना उसका कैपिटल होगा, तो यहाँ लिख दिया बाई कैश इतना ये कैपिटल आएगा 56, यही निकाला हमने, और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया कैश बैलेंस सीडी में, खत्म हो गया, कैपिटल लिख दो कैश वाला कैश में जोड़ दो, हो गया। यही है सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। इसमें एक चीज आएगा, एक क्वेश्चन है जहां पे ना ओल्ड बोला ना न्यू बोला, बस बोला है जैसे लाइन लिखी होती कि न्यू पार्टनर कैपिटल दिया नहीं होगा, ठीक है ना, अब बोला न्यू पार्टनर ब्रिंग 25% कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो आपको ये कैपिटल ऑफ फर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये है कंबाइंड कैपिटल, इसका सीधे 25% निकालोगे उसका शेयर निकल जाएगा, कैपिटल ऑफ फर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन है जहां पे ये चीज बोली गई कंबाइंड कैपिटल, तो तीन नया टाइप थोड़ी ना आएगी यार, नीचे नहीं करना आपको बस, तो ये दो तरीके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी दिया सबसे आखिरी वाला। तो बस इतना ही था कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर, इसके क्वेश्चन बनाओ, जो डाउट होता है कमेंट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, करने पड़ेंगे क्वेश्चन, जितना करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। 8 नंबर का एग्जाम आएगा, फिक्स है कि आएगा ही आएगा, आना ही है 8 नंबर का, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, आएगा लेकिन फिक्स, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और जो डाउट्स होता है तो एक दो क्वेश्चन अगर बोलोगे तो मैं आगे लेक्चर्स में कवर आता हूँ, ठीक है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।